वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं हाजीपुर में, आए हुए क्या मतलब हाजीपुर में हम रहते ही हैं, तो आज आए हुए हैं हाजीपुर के एक मंदिर में जो लगभग 550 साल पुराना है। तो आप पीछे दिखाइए कि देखिए मंदिर कैसा है यहाँ पे पहले। तो अभी जो मैंने पीछे देख रहे हैं यही है मंदिर जिसको हम लोग ज़्यादातर नेपाली मंदिर के नाम से जानते हैं। तो और यहाँ पे बताएंगे कि इसका क्या हिस्ट्री और किस चीज़ का मंदिर है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये आपको शिव और शक्ति का मंदिर है, पूजा होती है यहाँ पे, अंदर में शिवलिंग भी है, आपको हम सब चीज़ दिखाएंगे। ये आपका बाहर का जगह है जहाँ पे आप ज़्यादातर लोग आके यहाँ पे आराम करते हैं और विश्राम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ओल्ड आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया था, यहाँ पे लकड़ी के जो छतें हैं वो बनाई गई है। और यहाँ पे देख पा रहे हो टूटी उटी भी है। तो अगर अंदर चलते हैं तो यहाँ से ये एंट्री, मेन एंट्री गेट है, जो यहाँ पे ऐसे 4 गेट है बट यहाँ पे एंट्री के लिए एक ही गेट ओपन होता है। तो यहाँ पे जैसे ये एंटर करोगे तो जो आर्किटेक्चर है इसको आर्किटेक्चर को बोलते हैं पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर। और ये जो है आपको गंडक रिवर के किनारे में आपको मिल जाएगा ये टेम्पल। ये मंदिर जो है नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर जो है उसके समांतर में है, मीन्स उसी तरह का ऑलमोस्ट सेम है। मंदिर में आप देख पाओगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं लकड़ी के कलाकृतियाँ भी हैं, जो कि आप अगर देखते होगे, अगर हिस्ट्री के आप जानकार होगे तो आप पता होगा कि खजुराहो और अजंता में जिस तरह की कलाकृतियाँ हैं सेम उसी तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पे भी हैं। बट अभी क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस यहाँ पे सब चीज़ अब धीरे धीरे टूट फूट जा रही हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि ये टूटा था, एक पार्ट इसका टूट गया था, और इसी तरह ये धीरे धीरे टूटता चला जा रहा। आप जैसे गेट वगैरह की हालत देख ही रहे हो किस तरह से ऑलमोस्ट टूटी हुई है। तो यहाँ पे आओगे तो आपको पुरानी कलाकृतियाँ जो है, पॉट्स हो गए, सीलिंग्स हो गए और स्कल्पचर्स जो हैं इसके चारों तरफ में बने हुए हैं, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी छत जो इसका कमज़ोर हो गया तो वहाँ पे छत पे जा नहीं सकते थे, लेकिन पहले वहाँ पे अलाउड था। तो अगर आप आते हो तो आपके लिए एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी तरफ से जो भी हो पाए यहाँ पे दान पेटी में डाल देना। और चलिए यहाँ पे एक बाबा, इनसे थोड़ा जानते हैं कि इसके बारे में और क्या हिस्ट्री है। नेपाल राजा समझा था कि हम यहाँ तक ले दखल कर ले। अच्छा, तो महात्मा गांधी कहें कि नहीं, हमने अंग्रेज से राज छीना, तो ये अंग्रेज का राज जो है ये खत्म हो चुका है। कहाँ से कि बीरगंज है ना, यहीं तक ले आपको रहना है। तू तो दखल राख कर रहा था कि इसे यहाँ तक ले रहेंगे हम। नेपाल राजा वह दरख्त बनवाया था, ये बनवाया था ऊपर से वहाँ पे बनवाया भी है, जो नेपाली मंदिर है वही तो बनवाया। आइए बोरा भी अपना जान किया था है ना कि भाई ये बोरा हमारा रहेगा यहाँ तक नेपाल हमारा रहेगा, मतलब नेपाल के लिए यहाँ पे तक था। लेकिन महात्मा गांधी जी कहीं की नहीं, बीरगंज तक जिधर है आपका वहीं तक रही, हमारा राज, हम अंग्रेज से छीना, समझने का बिल्कुल। इसलिए तो बोले कि आप मान लीजिए किसी से पूछेंगे छोटा सा तो वो तो कुछ वही बताएगा जो देखा है। आप लोग हैं कि जब इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे तो इसलिए इससे आपसे पूछेंगे क्या है, जैसे आप बता भी रहे थे उनको, इसलिए आपसे ऐसे कोई नहीं पता। तभी जैसा आपने देखा बाबा ने जो बताया इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कि कैसा इसका हिस्ट्री था और क्या था। बट अभी जैसा आप देख भी पा रहे होंगे मेरे पीछे में कि कैसा इसका गेट का जो कंडीशन है, ऑलमोस्ट टूट फूट गया है। और ऊपर कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि टूट गया है। और लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर सकते हो, हायर अथॉरिटी बिहार टूरिज्म तक पहुँचा सकते हो, ताकि आपको पता रहे वहाँ पे, उनको पता चले कि हाँ ये एक धरोहर है जो हाजीपुर में भी अवेलेबल है और उसको बचाया जा सकता है। तो अब एक हेल्प हो जाएगा हाजीपुर वालों के लिए और एक जो हिस्ट्री है उसको सेव करने के लिए। तो मेरे से आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक बार आप देखो, आपका आपका शेयर इस मंदिर को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बना सकता है और अच्छा शेयर सेव कर सकता है। तो इस मंदिर में आओगे तो आपको चारों तरफ से 4 द्वार देखेंगे। मंदिर में तो 4 द्वार हैं ही, साइड में जैसे ये सब कंपाउंड है तो इसमें भी आपको 4 द्वार है। एक द्वार यहाँ पे दिख रहा होगा, एक द्वार यहाँ पे है और एक जिधर से मेन एंट्री होता है वो मेन द्वार है, और एक और उस तरफ में द्वार है। मतलब 4 द्वार है जिसमें से एक द्वार सिर्फ एंट्री के लिए ओपन है, बाकी सब द्वार जो है ऑलमोस्ट बंद है अभी।
मंदिर के जस्ट बाहर निकलेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में किधर साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो उधर में आपको कोन्हाड़ा घाट मिलेगा, नारायणी नदी जिसको बोलते थे पहले जमाने में, अभी गंडक और जो बूढ़ी गंडक बोलते हैं, और उधर से गंगा नदी, दोनों का मिलन जो होता है सेम जगह पे यहीं पे होता है। और थोड़ा सा आगे जाएगा तो शमशान घाट है जो कोन्हाड़ा घाट का शमशान घाट है, आगे क्या है मतलब ऑलमोस्ट यहीं है, तो यहाँ से आप गंगा नदी का भी मतलब गंडक का एंजॉय कर सकते हैं। इधर में आपका गंडक मतलब कोन्हाड़ा घाट हो जाएगा, और ये देखिए गंडक नदी अभी पूरे उफान पे है तो हम नजदीक तो नहीं जाने वाले हैं, और आपको एक दूसरे घाट पे ले चलते हैं। चलो इधर में जाओगे तो देखो वहाँ पे जो ये जगह है ये आपका मुर्दा घाट हो गया। अगर जो है आपको ये पसंद आया हो ब्लॉग और इसमें जो नेपाली मंदिर का जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हो कि इसका थोड़ा सा सेव हो तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ अपने जो भी अगर शेयर करो, बिहार गवर्नमेंट टूरिज्म तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो ताकि इसका जो सेविंग हो थोड़ा सेफ हो पाइए, हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन रहेगा इसके लिए ऐसे हम लोग हाजीपुर के निवासी हैं। तो होपफुली आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने जैसा बताया दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं इसी तरह के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।